दोस्तों मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि मेरा बजट 15,000 रुपये का है और मैं 15,000 के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैंने अपने दोस्त को जो कंपोनेंट सजेस्ट किए वही मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ, ताकि आप लोग 15,000 के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर सके। और दोस्तों इस गेमिंग पीसी में आप लोग पबजी मोबाइल जैसी गेमों को बिना किसी लैग के खेल सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जितना हमारा बजट है उस बजट के मुताबिक हम लोगों ने जो कंपोनेंट सेलेक्ट किए हैं उन्हें चलिए मैं आप लोगों को एक करके सारे दिखा देता हूं कि कौन कौन से पार्ट्स हमने लिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट है ये वाला है हमारा कैबिनेट, चिप्ट्रॉनिक्स की ओर से आने वाला MX3 RGB मिड टावर कैबिनेट है। ये दोस्तों आप लोगों को अमेजोन पे 2400 रुपये का मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग कम पैसे में एक अच्छा गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप लोग ये वाला कैबिनेट ना लेते हुए किसी ऑफलाइन मार्केट में जाके कोई सस्ता सा 1500 वाला कैबिनेट भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग लुक को देखते हुए कैबिनेट लेना चाहते हैं कि आपका पीसी दिखने में भी अच्छा हो तो आप लोग इस वाले कैबिनेट को ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को आगे की साइड में RGB लाइटिंग देखने को मिल जाएगी, साइड में ग्लास भी मिल जाएगा ताकि आप लोग अंदर की चीज़ों को देख पाएँ। और दोस्तों आप लोगों को एक साइड में फ़ैन भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा कूलिंग के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में। तो दोस्तों ये है हमारा SMPS यानी कि पावर सप्लाई। ये दोस्तों 400 वोल्ट का है और आर्टिस्ट की ओर से आता है। ये आप लोगों को केवल 800 रुपए में मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे गेमिंग पीसी के लिए ये जो 400 वोल्ट का पावर सप्लाई है ये इनफ है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। तो दोस्तों ये है हमारा मदरबोर्ड MSI A320M Pro VDS मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड दोस्तों राइजन के फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन को भी सपोर्ट करता है। साथ ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर 16 GB की दो रैम स्टिक भी लगा सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों ये जो मदरबोर्ड है 32 GB तक रैम को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की। तो ये है दोस्तों हमारा प्रोसेसर। ये है दोस्तों हमारा AMD Athlon 200GE प्रोसेसर। इसमें दोस्तों आप लोगों को Vega 3 ग्राफिक भी मिल जाएंगे, यानी कि आप लोगों को अलग से ग्राफिक कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसमें जो ग्राफिक है ये पबजी मोबाइल जैसी गेमों को आराम से चला देता है। और दोस्तों अगर आप लोग और भी गेमिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को अलग से ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अभी हमारा बजट इतना है तो इस बजट में दोस्तों ये जो ग्राफिक है ये कम भी नहीं है, बहुत सारे गेमों को आप लोग खेल पाएंगे इस ग्राफिक में भी। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे रैम की। तो दोस्तों ये है किंगस्टोन की ओर से आने वाली 8GB की DDR4 2400MHz की रैम। ये दोस्तों आप लोगों को प्राइम ABGB पे 2800 रुपये में मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लोग एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप लोग दोस्तों जो सारे पार्ट्स है कंपोनेंट एक ही जगह से ना बाय करते हुए अलग अलग साइटों से प्राइस कंपेयर करके बाय करना, ताकि आप लोगों को अच्छे प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल जाएगी, यानी कि आपका पैसा भी बच जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारी गेमिंग पीसी के स्टोरेज के बारे में। तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों ने ली है 500 GB की SSD। वैसे तो दोस्तों हम SSD ले सकते थे लेकिन दोस्तों प्राइस ज़्यादा हो जाती, इसलिए दोस्तों हम लोगों ने ये 500 GB की HDD ली है। और 500 GB भी दोस्तों कम नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग फ्यूचर में SSD लगाना चाहें तो SSD भी लगा सकते हैं 500 GB के साथ भी। तो दोस्तों ये था हमारा 15,000 के अंदर गेमिंग पीसी बिल्ड, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कुछ नए नए टॉपिक्स और आइडियाज़, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना, और मुझे पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।